दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मारुति की ब्रेजा के बारे में। ये नई ब्रेजा आई है सेकंड जनरेशन की, और जो आप कलर देख रहे हो स्प्लेंडर सिल्वर, ये भी इसमें नया कलर आ रखा है। कार में कई ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये सेगमेंट में बहुत डिफरेंट कार है, बहुत यूनिक कार है, और कुछ चीज़ें ये बेस मॉडल से ही ऐसी देती है जो इसकी कॉम्पिटिशन में और कार नहीं देती है। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे इस ब्रेजा के बारे में। ये इसका टॉप मॉडल देख रहे हो मैनुअल में, ZXi+ ये मॉडल है, और जो इसकी प्राइसिंग है वो आपको युगल बताएगा। लेकिन प्राइसिंग जाने से पहले एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और वीडियो में कमेंट जरूर से करें। बाकी नए आए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि डेली हम आपको ऐसी ही वीडियोज़ देते रहते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो युगल सबसे पहले तो इसकी प्राइसिंग क्लियर कर दे। तो जैसे तो कहा टॉप मॉडल है ये ZXi+ मॉडल है, इसका मैनुअल में टॉप मॉडल आप देख रहे हो, और इसका जो ऑन द रोड प्राइस है वो आपको लगभग पड़ जाएगा 14,70,000 रुपये, जिसमें आपको जो बेसिक किट्स हैं वो सब इंक्लूड होकर मिल जाती हैं। अब इसमें कुछ एडिशनल भी लगी हुई हैं, उनको कंसिडर मत करना। बाकी बेसिक किट के साथ 14,70,000 रुपये तक गाड़ी आपको पड़ती है। अब पुरानी ब्रीजा से बहुत सारी चीज़ें ऑफर कर रही है, और जैसे तुमने सही कहा था, यही ऐसी गाड़ी है जो एक ऐसा फीचर देती है जो आपको और कंपनी की गाड़ी नहीं देती। आपको पता है कि इसमें आपको माइल्ड हाइब्रिड इंजन मिल जाता है। अच्छी बात यह है कि वो आपको इसके बेस मॉडल से ही मिल जाएगा, मतलब इसकी सेगमेंट की और कोई भी गाड़ी आप देखते हो जो भी आपको ये वाला फीचर दे रही है, किसी में भी आपको बेस मॉडल में वो कुछ चीज़ नहीं मिलेगी। तो ये बहुत यूनिक बनाती है इस कार को। इवन आप टॉप मॉडल छोड़ो, वो गाड़ियाँ दे ही नहीं रही है आपको, सिर्फ ब्रेजा ही ये चीज़ें आपको ऑफर कर रही हैं। अगर हम फ्रंट की बात करते हैं ना, फ्रंट में देखो लुक तो चेंज करे गए हैं, इसमें मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जो फीचर्स एड ऑन हुए हैं, लाइक आपको यहाँ पे कैमरा भी मिल जाता है, जिसकी वजह से ये गाड़ी 360 डिग्री कैमरा इनेबल बन जाती है, तो कितनी बढ़िया चीज़ है। और फ्रंट से भी इसमें जो डिज़ाइनिंग काफ़ी ज़्यादा बोल्ड और मस्कुलर करी गई है। लाइटनिंग जो सेटअप है वो देखो, पूरा प्रॉपर आपको LED मिल जाएगा, इंडिकेटर्स हैं, फॉग लैंप है, मेन हेडलैम्प, सब कुछ आपको LED मिलता है। मैं एक बार लाइट जला के दिखा देता हूँ आपको। लाइटनिंग सेटअप देखो, प्रॉपर LED है, बहुत ब्राइट है, पहले की तरह डुअल प्रोजेक्टर आपको मिल रहा है। तो कुछ सिमिलैरिटीज़ भी रखी हैं और एडवांस भी कर दिया है। और अच्छी चीज़ क्या है कि डिज़ाइनिंग चेंज करी गई है, और दूसरी अच्छी चीज़ क्या लगी कि यहाँ पे DRLs आपको अलग से दिए हैं और टर्न इंडिकेटर आपको अलग से दिए हैं, दोनों को यहाँ पे मर्ज नहीं कर रखा है। तो जब आप टर्न इंडिकेटर दोगे तो आपके DRLs यहाँ पे जलते रहेंगे, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, लुक ऐसा बन जाता है फ्रंट का। अब बात करते हैं इसके इंजन की। बोनट भी पहले से काफ़ी हैवी हो चुका है, मतलब गाड़ी का जो ओवरऑल वेट है वो भी बढ़ चुका है, बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी इंप्रूव करी है, और गौर करना गाड़ी के डायमेंशंस भी चेंज है। तो पुरानी ब्रीजा से काफ़ी लंबी और चौड़ी भी हो चुकी है। और इंजन की बात करें तो अभी भी आपको वही 1500 cc का इंजन मिल जाता है, नेचुरली एस्पिरेटेड। बस ये कि पावर इसको थोड़ी बढ़ चुकी है, अब आपको यहाँ पे 103 bhp 138 Nm ऑफ टॉर्क मिल जाएगा। रिफाइनमेंट के साथ साथ माइलेज भी बढ़ चुका है, तो मतलब हाईवेज में आप इस गाड़ी से 22-23 का माइलेज तक निकाल लोगे। अब जैसे युगल ने कहा कि इसमें आपको पावर टॉर्क अच्छे मिलकर ट्विक्स करे गए हैं, यहाँ पर जो 1.5 लीटर का इंजन है ये आपको नेचुरल एस्पिरेटेड मिलता है। इसका फायदा ये होता है कि एक तो इसमें आपको माइलेज डिसेंट मिलता है, मतलब आपको माइलेज एक जैसा मिलेगा, चाहे आप ज़्यादा भगाओ चाहे थोड़ा कम भगाओ। दूसरी अच्छी चीज़ क्या है कि इसमें आपको कोई भी टर्बो का लैग देखने को मिलेगा ही नहीं, किसी भी RPM पे आपकी गाड़ी यहाँ पे बड़ी लीलियंटली उठेगी और फिर उसकी स्पीड बनाए रखेगी। टर्बो में क्या होता है, एकदम आपको झटका फील होता ही होता है, वो इसमें आपको देखने को नहीं मिलता है। बाकी मारुति का नाम है, चाहे आप लेह लद्दाख जाओ चाहे आप गोवा चले आओ, सर्विसिंग आपको इसकी हर जगह मिल जाएगी, और इसके अंदर आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाती है इंजन के लिए। अब दिखाते हैं लुक साइड से आपको हम। तो साइड में एक चीज़ देखना, साइड में जो ये लगा रखा फुट स्टेप, ये एक्सेसरीज का पार्ट है, ये आपको बेसिक किट में नहीं मिलता, तो अगर आप एक्स्ट्रा पे करोगे तभी आपको ये चीज़ मिलेगी। तो आपके ऊपर लगाना चाहो लगा लो। हाँ, लेकिन आपको इस गाड़ी में बेस मॉडल से ही 16 इंच की प्रोफाइलिंग मिलती है। जैसे टॉप मॉडल ले रहे हो तो यहाँ पे आपको 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, बेस में आपको स्टील रिम मिल जाएंगी, तो प्रोफाइलिंग सेम रखी गई है। MRF की ट्यूबलेस टायर्स आपको मिलेंगे, इसमें आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं, और 360 डिग्री कैमरा आपको यहाँ भी मिल जाएगा इस तरीके से, तो यहाँ साइड से भी आपका पूरा व्यू बन जाता है, और ORVM इसके एडजस्टेबल फोल्डेबल है, सनरूफ भी आपको मिल जाती है। तो ये फायदा हो गया नई वाला ब्रेजा लेने का, क्योंकि मैक्सिमम लोग कहते थे ब्रेजा अच्छी कार है लेकिन सनरूफ नहीं मिल रही है, तो आपको सनरूफ भी मिल जाएगी। और साइड से लुक अगर आप देखते हो तो पूरा जो रेंज रोवर टाइप का जो डिजाइन है वो यहाँ पर भी रखा गया है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगती है। फंक्शनल रूफ रेल मिलेंगे आपको दोनों तरफ, आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाते हैं, मतलब सेंटर लॉकिंग का आपको ऑप्शन मिल जाता है। और पीछे की तरफ को अगर हम आते हैं तो पीछे का लुक एक बार चेकआउट करो, कितना मतलब तगड़ा है, मतलब पीछे से पूरा एक लैंड रोवर वाला फील आपको मिल जाएगा, क्योंकि टेल लैम्प का डिज़ाइन है, जो विड्थ है, वो जो कटिंग्स दे रखी है वो वैसी ही लगती है दिखने में, बस हाइट की कमी है। अगर इसकी हाइट और ऊँची होती है पूरी लैंड रोवर बन जाती है गाड़ी। देख रहे हो ये जो ब्रेक लाइट है आपको LED में दे रखी है, बाकी सब वही हैलोजन सेटअप मिल जाता है यहाँ पे, बेसिक फीचर सारे वही रखे हैं, डिफॉगर, रेयर वाइपर, हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको मिलेगा, पीछे भी कैमरा दे रखा है, पूरा स्टाइल पे पहले की तरह ब्रीजा लिखा हुआ मिलेगा। हाइब्रिड इंजन है तो उसका आपको बैच मिल जाता है उधर, और 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। तो पीछे का जो लुक है वो काफ़ी इंप्रूव हो चुका है। जो डिग्गी का साइज़ है वो पहले से थोड़ा सा कम हुआ है, अब यहाँ पे आपको 328 लीटर की मिलती है, लेकिन तब भी इनफ स्पेसिंग है, काफ़ी सारा स्टफ आप इसमें कैरी कर सकते हो, और अच्छी बात है कि 60-40 स्प्लिट सीट का ऑप्शन भी दे रखा है।
तो अपने अनुसार सीट्स को भी आप मैनेज कर सकते हो। और ऑब्वियसली यार इस तरह से देखा तो नीचे आपको जो स्पेयर व्हील है वो मिल जाएगा, और बड़ी सी पार्सल ट्रे है तो उसके ऊपर भी आप छोटा मोटा स्टफ एक दो कैरी कर लोगे। तो फीचर्स तो आपको एक्सटीरियर में एक से बढ़कर एक मिल जाते हैं। 360 डिग्री आपको कैमरा मिल रहा है, यहाँ पे जितने फीचर्स हो गए सारे आपको से मिल जाते हैं। हम दिखाते हैं आपको कार इंटीरियर से, पहले हम शो करते हैं आपको सेकंड रो। यहाँ पे पीछे की जो सीट है यहाँ पर आपको इस तरीके से दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहे हैं, 60-40 स्प्लिट सीट का ऑप्शन मिल रहा है, इवन आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट मिल जाएगा। सीट कंफर्टेबल काफी है, हम बैठ के नहीं दिखाएंगे क्योंकि हम ऑलरेडी इसका रिव्यू कर चुके हैं, तो सीटिंग वाइज गाड़ी कोई भी दिक्कत आपको नहीं देगी। पीछे आपको एसी वेंट हो गए, चार्जिंग के लिए पोर्ट हो गए, हर एक चीज आपको यहाँ पर मिल जाती है। बाकी यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच ही मिलेगा इस तरीके से, और डोर खोलने बंद करने में आपको थोड़े हैवी फील होते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हल्के से डोर है, यहाँ पर आपको हैवीनेस मिल जाती है, सॉफ्ट टच आपको यहाँ भी मिलेगा। गौर करना डोर्स में, अगर आप गौर करते हो तो वहाँ पे आपको एम्बिएंट लाइटिंग का भी ऑप्शन मिल जाएगा ब्लू कलर की, तो थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम आपको अंदर एक लुक मिल जाता है, सिर्फ डोर्स में मिलती है। यहाँ अगर मेरे हिसाब से यहाँ अगर डैशबोर्ड में भी देते तो बहुत और अच्छा लुक निकल जाता है। अब पता नहीं क्यों यहाँ नहीं दे रखा, लेकिन डोर्स में आपको आगे की तरफ भी और पीछे की तरफ भी, ये दिन पीछे का लुक दिखाना है, डोर्स दिखाना यहीं से देखो लाइट दिख जाएगी आपको ब्लू कलर की, तो एक अच्छा लुक मिल जाता है आपको। और अगर आप अंदर देखते हो तो यहाँ पर आपको स्टीयरिंग व्हील मिल जाएगा लेदर एफ वाला फ्लैट बॉटम में, टिल्ट और टेलीस्कोपिक आपको दोनों मिलेगा। एक बार चेक कर लेते हैं हम, बाकी चाबी भी आप चेकआउट कर लो, कुछ इस तरीके से मिलेगी। तो यहाँ पर देखें तो आपको सही से टिल्ट मिल रहा है और टेलीस्कोपिक भी आपको मिल रहा है, माउंटेड कंट्रोल से गाड़ी लेस है, आपको ढेर सारे माउंटेड कंट्रोल्स मिलता है, लाइक क्रूज कंट्रोल मिलेगा, वॉल्यूम कम ज़्यादा करना सब चीज़ें मिल जाएगी। अब ये कार जो फेमस है ये है माइल्ड हाइब्रिड के लिए फेमस है। माइल्ड हाइब्रिड क्या होता है, इसके अंदर आपको डबल बैटरीज मिल जाती हैं जो कि आपके ऑल्टरनेटर का काम करती है, तो आप यहाँ पे फ्यूल कंजप्शन अच्छा खासा बचा लेते हो, और आइडल स्टार्ट स्टॉप की फंक्शनैलिटी भी आपको मिल जाती है। बाकी हेड्स अप डिस्प्ले भी आपको देखने को मिलेगी जो कि इस कार की यूएसपी है। अब अभी हम ऑन करके नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि उसके लिए गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ेगा। और गौर ये चीज़ और करना कि यहाँ पे भी ब्लू कलर की लाइट दे रही है, क्योंकि यहाँ पे गौर करना ये आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट दे रखा है इस तरह से, ठीक है। अभी ऑन नहीं हो रहा, लेकिन आपको वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है, यूएसबी मिल जाएगा, 12 वोल्ट सॉकेट दे रखा है, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल दे रखा है। इसकी भी अच्छी बात है कि नीचे के मॉडल से भी आपको ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल का फंक्शन मिल रहा है। बलिनो से ये चीज़ शुरू हो चुकी है, और सेम जैसे बलिनो में आपको टच स्क्रीन मिलती है वही टच स्क्रीन आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जो कि एंड्रॉयड एप्पल दोनों को सपोर्ट करती है, और ये वायरलेस वाली है, मतलब तार वार नहीं लगाना पड़ेगा यहाँ पे आपको। अब मेरे को अच्छी चीज़ क्या लग रही है कि जो यहाँ पे डिस्प्ले का साइज़ है वो बड़ा करा गया है, यहाँ पर थीम वगैरह सब चेंज करी गई है, नीचे के मॉडल्स में अलग थीम मिल रही है, ऊपर के मॉडल्स में अलग थीम मिल रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यहाँ पर अगर हम ग्लव बॉक्स की बात करते हैं तो उसमें भी आपको स्पेसिंग डिसेंट से मिलेगी, डिसेंट से बढ़कर ही मिल रही है, कूलिंग वाला आपको मिल जाएगा ये अंदर इस तरीके से। बाकी ब्लैक और ब्राउन कलर का इंटीरियर आपको मिलता है, जो कि मुझे इतना पर्सनली पसंद नहीं आया, मेरे को ऐसा लगता है ब्लैक और बीच कलर का होता तो ज़्यादा यहाँ पे प्रीमियम लगता। बाकी सनरूफ के कंट्रोल्स आपको इस तरीके से मिल जाते हैं, वन टच ऑपरेट है, मैं करके दिखाता हूँ आपको, तो इस तरीके से ये पूरा यहाँ पे ऑपरेट हो जाता है। सनग्लास होल्डर हो गया, यहाँ पर आपको मिरर मिल जाता है, उसके लाइट भी मिल जाती है इस तरीके से, ड्राइवर साइड आपको खाली यहाँ पे स्ट्रैप मिल जाता है, तो ये चीज़ें आपको देखने को यहाँ पे मिलती हैं। बाकी अगर हम कैमरा क्वालिटी चेक कराते हैं आपको एक बार, तो आपको इस तरीके से कैमरा क्वालिटी मिलेगी, 360 डिग्री का भी व्यू मिलेगा, पीछे का भी मिलेगा, गाइडेंस के साथ आपको लाइंस मिलती है, लेकिन कैमरा क्वालिटी नेक्स्ट लेवल है। और इसमें आप देखना मोड भी दे रखे हैं, मतलब जैसे यहाँ पे इस तरह का मोड लगा हुआ है, यहाँ पे इसमें कैमरा एंगल थोड़ा चेंज जाएगा, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कैमरा एंगल थोड़ा चेंज होता है, यहाँ से आप साइड का भी देख सकते हो, बैक का भी देख सकते हो, तो ऑप्शंस यहाँ पे आपको ढेर सारे मिल जाते हैं। तो इस तरीके से बनता है इस कार का पूरा इंटीरियर, और हेड्स अप डिस्प्ले के लिए आपको दिखा दिया हमने, जगह यहाँ पर मिल जाती है, तो कंप्लीट आपने इंटीरियर का चेकआउट कर लिया है। अब स्पीकर्स की बात करूँ ना, तो इसमें आपको देखो स्पीकर्स की क्वालिटी कह रहे हैं पहले से ज़्यादा अच्छी हो चुकी है, 4 स्पीकर 2 ट्विटर्स यहाँ पे आपको मिल जा रहे हैं, और सेफ्टी में भी बहुत सारा चीज़ें ऐड कर रखी हैं। जैसे इस जैसे टॉप मॉडल ले रहे हो तो यहाँ पे आपको 6 एयरबैग्स मिल जा रहे हैं ड्राइवर को, ड्राइवर साइड की तरफ को दे रखे हैं, बाकी ABS मिल जा रहा है, EBD, ब्रेक असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, इस टाइप की जो फीचर्स हैं सभी आपको मिल रहे हैं, आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन मिल रहा है, तो फीचर लेस ये गाड़ी हो चुकी है, ठीक है, लुक्स इंप्रूव हो चुके हैं। अभी क्रैश टेस्ट नहीं हो चुका, लेकिन कंपनी कह रही है इसकी बिल्ड क्वालिटी पहले से थोड़ी सी और बढ़ गई है। अब 5 स्टार तो नहीं मिलेगी, लेकिन 4 स्टार ही मेंटेन करके चलेगी, जो कि इसको मिलती है ग्लोबल एनकैप में। अगर हम फाइनल कंक्लूजन की बात करते हैं, अगर आपका बजट यहाँ पे 14 से 15 लाख का है तो आप इस कार पे जरूर से जा सकते हो, क्योंकि आपको माइल्ड हाइब्रिड मिल रहा है, जिसकी वजह से आपको जो यहाँ पे माइलेज है वो आपको बहुत बेटर मिलेगा। इवन सिटी में भी आप इस गाड़ी से 14 से 15 का माइलेज निकाल लेते हो। बस एक फ्लॉ बनता है कि 5 स्पीड का गियरबॉक्स मिल रहा है, 1.5 लीटर का इंजन है, 6 स्पीड का मिलना चाहिए, लेकिन आप शहर के अंदर अगर आप देखते हो तो 5 स्पीड का इनफ रहता है, इवन हाईवेज में भी इनफ रहता है, हाई स्पीड थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन जो माइलेज है वो हाईवेज में और सिटीज में आपको नेक्स्ट लेवल मिल जाता है। तो इस तरीके से गाड़ी बनती है, टॉप मॉडल लेने में फायदे ही फायदे मिल रहे हैं, सनरूफ मिल रहा है, 360 डिग्री कैमरा मिल रहा है, सेफ्टी फीचर्स एक से बढ़कर एक मिल रहे हैं, बाकी माइल्ड हाइब्रिड तो आपको बेस से मिल ही रहा है, तो बस
वीडियो को यहीं पर ही करते हैं एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक आप जरूर से दे सकते हो, शेयर कर सकते हो। डिटेल में अगर रिव्यू देखना है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी मैं और युगल आपको मिलते हैं बहुत जल्दी ऐसे को नई वीडियो के संग। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।